हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम के वर्क। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ अक्षरों का महत्व, भाग तीन, कार्यपत्रक 17, कक्षा 6। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए। अब आगे तो यहाँ पे पार्ट से रिलेटेड छोटा सा एक गद्यांश दिया गया, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे। आइए इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रश्न नंबर दो है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़े से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। उत्तर है, असफल अ प्लस सफल, अनुचित उन प्लस उचित, अपरिचित अ प्लस परिचित, अदृश्य अ प्लस दृश्य, अनावश्यक अन प्लस आवश्यक, अनिच्छा अन प्लस इच्छा। प्रश्न नंबर तीन है, क्या होता अगर भाषा ना होती? अगर भाषा ना होती तो हम बोल नहीं पाते शुद्ध हिंदी या अपनी अपनी मातृभाषा। हमें किसी भी चित्र चीज को पढ़ने में कठिनाई होती और हम आदिवासियों की तरह बोलते पढ़ते। प्रश्न नंबर चार है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने हिसाब किताब को लेकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना आरंभ किया तब से आरंभ हुआ और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। फिर जाति का तेजी से विकास हुआ और नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर पाँच है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, फिर बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।